यहाँ से ऑन। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख लो मॉर्निंग में गाड़ी खड़ी हुई कितनी सेक्सी लग रही है। अभी अपन इसको यहाँ से हटाएंगे और लेके चलेंगे पुष्कर। अभी 4:30 होगा, छोटा मोटा भी ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो अभी जैसा आपको बताया कि अपन नाश्ता कर लिया है, अपन निकलेंगे, गाड़ी को हटाएंगे पैडॉक से और अपना जो कपड़ा है इसको रखेंगे अपन वहाँ, थोड़ा संभाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो पैडॉक को से अकेले भी उतारा जा सकता है और ये नॉर्मली पैडॉक को ये ऊपर और ये उतर गया। बाबा ने पकड़ रखा इसको, नीचे रख दो, घर से निकालेंगे भैया आराम आराम से। ये रोड बिल्कुल नई नहीं, ये देखो हमारे घर के बाहर रोड बनी है गाइस। तो भाई आज जो ब्लॉग है आपको थंबनेल देख के पता चल ही होगा, हाँ जी हमने जो एच डी की जो लाइट लगवाई है ये उस पर होने वाला है। और ब्लॉग में से मिले कुछ नहीं, नॉर्मली जो भी बस उसके जो एडवांटेज हैं वही बताऊँगा। इसको करते हैं ऑन इग्निशन से। चलो भाई थोड़ी सी इसको और गुड़काते हैं, गुड़को भैया ठंडी हो जाओ थोड़ी सी। तो देखो अभी तक मैंने ना वाली लाइट्स ऑन नहीं करी है कि भाई उसका कितना एडवांटेज है। तो मैं जा रहा हूँ पुष्कर, उस बीच में आपको पूरे अच्छे से पता चल जाएगा भाई कितनी हेल्पफुल है ये और कितनी नहीं। और भाई मज़ा आ गया, बाय गॉड सुबह सुबह उठ गए फुल एनर्जी ठीक हो गए, चोकोस खा लिए भाई दूध के साथ, मज़ा आ गया बहुत दिनों बाद। और ये इसलिए ग्लव्स क्योंकि इससे समझ रहे हो ना, अपन फ़ोन से शूट करते हैं तो टच करने में आसानी रहती है, वीडियो जब स्टॉप करनी हो कर लो या भाई प्ले प्ले। तो गाड़ी का RPM कम हुआ है, ठीक है अब आ गई है 1500 के बीच में, चलते हैं। गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि भाई लास्ट वीडियोस आपने सब पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बट वो सिनेमैटिक वाला जो अपना वीडियो है ना भाई अपन ने करा था सिरेमिक पे, यार उसका व्लॉग पहले ही आ गया था बट मैंने सिनेमैटिक जो डाले थे उस पर अच्छे से व्यूज़ दो यार, अच्छी वीडियो है वो काफ़ी भाई, सपोर्ट करो आपका प्यार दिखाओ यार। अब अपन चलते हैं, हाय हाय ठंडा ठंडा मौसम हो रहा भाई। मैं तो बताऊंगा मैं तो एक हुडी पहन के आया हूँ ब्लैक वाली, मस्त लग रही बट आज पूरा ब्लैक कॉम्बो, वाइट हेलमेट है ऊपर, वाइट एंड ब्लैक बाइक, समझ रहे हो ना। तो अब अपन ऑन करेंगे लाइट्स को थोड़ी सी देर में ही, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ से लाइट्स को ऑन करने वाला हूँ। थोड़ा सा अंधेरा आ जाए तो मैं आपको बताऊँगा कि यार कितनी भारी लाइट है ये, मतलब एग्जैक्टली जो आपको पता पड़ेगा ना लुक उस टाइम। देखो एक फ्लैश दिखाऊँ, टिंग टोंग, ये तो येल्लो थी, वाइट वाली वो तो बहुत भारी है। अरे यार उजाला भी उसका, देखो एक चीज़ दिखाता हूँ ये देखा भाई ये बहुत भारी लाइट है, एग्जैक्टली जो अभी आपने देखा है ना, मतलब बहुत हैवी वोल्ट की ये वाइट, जो वाइट वाली जो इसकी लाइट है बहुत अच्छी है। और इसके अंदर एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वो, अगर अपन इसके अंदर जो बैटरी है उस पर लोड ना पड़े तो आप जो इसकी फ्यूज़ हैं वो चेंज करवा सकते हैं। मैंने तो फ्यूज़ को भाई चेंज भी करवाया था जैसे ही लग गई थी, आफ्टर मार्केट से मैं लेकर के आया था बाय करके, कोई भी हैवी वोल्ट का जो स्विच होता है लाइटिंग का अपना पासिंग का वो मैंने लगा दिया था इसके अंदर, तो इतना क्या लोड नहीं पड़ता है उससे, वो अच्छा रहता थोड़ा। 10 रुपये में आई थिंक 2 मिल जाते हैं वो, 10 मतलब 10 तो क्या मतलब 20-25 रुपये में 2 तो मिल ही जाते हैं, समझ रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे अंधेरे के अंदर कहाँ से वीडियो। तो भाई जैसे अब देखो आगे आगे अंधेरा, अब अपन करेंगे अपने इन हैलोजन्स को ऑन, हैलोजन ही है भाई ये देखो भाई छोटे छोटे से गड्ढे दिखा देते हैं, मतलब छोटे नहीं काफ़ी बड़े ही हैं वैसे, बट आज छोटी छोटी चीज़ें भी दिखा देते हैं। देखो पत्ते भी रखे हुए हैं ना रोड पर, रखे हुए तो क्या उड़ के आते, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, हाँ तो ये जो उड़ उड़ के आते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती है ना भाई, बिल्कुल देख लो आप बारीकी, मेरे को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और लगाने भी चाहिए, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल R15 जो V4 है ना
उसमें तो बढ़िया अभी अपडेट आ गया है, बट ये जो R15 V3 है जो मैं ऑन करता हूँ भाई, ये जो मेरे पास है ये R15 V3 है। अब इसके इसको चलाने से भाई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट नाइट के अंदर भाई ये तुम्हारी सग्गी है ही नहीं। मतलब ये देख लो भाई, इतनी सी लाइट रहती है इसकी। मैं रुको इसको ऑफ करना भूल गया, ऑफ कर देता हूँ। बस ये इतनी सी लाइट है, अब इससे क्या ही उखाड़ लोगे भाई तुम। अभी तुम्हारे को घाटी पे दिखाता हूँ मैं, नहीं फटके चार हो जाए तुम्हारी, तुम्हें देख लेना। ये देखो ये आ गया भाई अंधेरा, अब यहाँ से होता है शुरुआत। वीडियो बन रहा है ना? हाँ वीडियो बन रहा है। अभी देखो ये है अंधेरा, अब यहाँ से इतनी सी लाइट भाई क्या कर लूँगा मैं इसमें, क्या पाड़ लूँगा मैं इसमें, देख लो तुम। अभी देखो इसको पास भी नहीं दे सकता मैं अभी इस अंधेरे के अंदर, तो भाई मेरे से गाड़ी कैसे चलेगी। मैं ये फुल करके चलाऊँगा इसको, चलो ठीक है, बट इससे कुछ भी नहीं होगा आपको। लाइट मतलब जो अभी जो मैंने लगवाई है उसका भाई वो वर्थ इट है, वो उसको लगाना चाहिए। थोड़ी महंगी ज़रूर है, लोकल्स भी आती हैं, बट वो ये कि पानी में जाने के बाद वो ख़राब हो जाती है। तो अब अपन इसको ऑन करेंगे, तो ऑन करने का भाई यहाँ से ऑन। चलो भैया इसका वाइट वाला बीम और इसका येलो वाला भी, आई शो यू, देखो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। और चलो भाई, बट मुझे वाइट ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि बाइक के साथ थोड़ा जमता है यार, समझ रहे हो ना। स्टॉक लगता है काफ़ी आगे वाली लाइट को देख के, और ये वाला तो बिल्कुल स्टॉक लगता है, मज़ा आ जाएगा भाई। ओए होए होए भाई, इसकी लाइटिंग बहुत दूर तक जाती है, देखना भी मैं इसको आपको दिखाऊँगा। देखो ये देखो भाई, बहुत दूर तक मतलब जाती है। कैमरे में और अच्छे से कवर नहीं कर पाता, बट मुझे पता है कि मतलब काफ़ी दूर तक ये वाइड हो जाता है। ये जय बजरंगबली, देखिए बजरंगबली ये क्या क्या अपडेशन दे दिया आपने ये गाड़ी के अंदर। अरे बहुत भारी चीज़ है यार, एक नंबर। क्योंकि मेरा फ्रेंड ही है, उसने मतलब वो यूज़ कर रहा था इनको कुछ टाइम तक, और उसके बाद मैंने ही उससे ले लिया। अब आपके अगर ऐसे दोस्त हो तो भाई आप देख लो, वरना समझ रहे हो ना कि लाइक आपको ख़रीदनी पड़ेगी बिल्कुल ब्रांड न्यू। मैंने भी ब्रांड न्यू ही है ये बिल्कुल, मैंने आपको फ़ोटोज़ और अभी एक बार और इसको चेक करा दूँगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। मैंने इसको थोड़े बहुत पैसे दिए हैं, मतलब थोड़े बहुत क्या, मतलब जितने की लाइट हैं उतने ही पैसे दिए, 500-600 रुपये कम मान लो तो बस मुझे इतने में मिल गई है। तो बाकी ये जो लाइट है 35 की पड़ती है, 32 से 35 वेरी करता है साइड टू साइड, बट उसने 35 में मंगवाई थी, अभी 3200 की शो कर रही है वैसे। तो ठीक है, काफ़ी बातें हो गई है, पहुँचते फटाफट से। गाड़ी देखो भाई न्यूट्रल में गुड़क रही है बिल्कुल, एक नंबर। अरे अरे कहाँ जाऊँगा मैं इतना उजाला लेके, घूम जा भाई, कोई भी नहीं है सुबह सुबह अभी घाटी में, इसलिए छोड़ रहा हूँ आज, वरना ऐसे छोड़ता नहीं हूँ मैं, एक नंबर। मैं आपको फुल व्यू दिखा रहा था बाइक का कि मुझे कितना अच्छा फील होता है जब मैं बाइक चलाता हूँ, समझ रहे हो ना। थोड़ी इधर महादेव जी की जय हो, हर हर महादेव होता है, तो हर हर महादेव भाई। ठंड है, अच्छा हुआ पहन के आ गया, थोड़ी थोड़ी सी उंगलियों में लग रही भाई ठंड। अब इसको डालेंगे गियर में भाई, जब ऐसे न्यूट्रल में आप अगर गाड़ी को गुड़काते हुए लेके आ रहे हो ना, तो मतलब आप ये देख लो, आपको गाड़ी को है ना बिल्कुल स्लो करके उसमें गियर डालना, क्योंकि कई लोग होते हैं तेज़ी से गुड़कती हुई आती रहती हैं, और मान लो उसका भाई पास से निकल गया एकदम से, उसको पीछे करने के लिए एकदम से न्यूट्रल से गियर डाल देगा, तो एक तरीके ट्रक करके आवाज़ आती है। मैं आपको करके दिखाऊंगा नहीं यार, क्योंकि सही नहीं होता है। मैंने एक बार फेस किया था मेरी इस वाली बाइक में, वैसे मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास इससे पहले RS थी मेरे बड़े वाले भाई, तो मैं वो चलाता था, तो मुझे उसमें पता है कि मैं उसमें कितनी गलतियाँ करता था। उसके बाद मैंने काफ़ी स्टडी करा इन सब पे भी, तो मतलब इतना तो समझ रहे हो ना, अंदाज हो ही जाता है टाइम के साथ। तो आ गई है वैसे थड़ी, हाय हाय, ये टिंग 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 टिंग, ये रुकेंगे अपन। ओ शिट, इसको कर लो आप भाई, लाइटें काफ़ी हेल्पफुल है वैसे देखी जाए तो। राजा साइकिल ब्रिज पे कैसे बस रपट गए थे बारिश के समय, देख सकते हो मेरी मासूम से।
हेलमेट में से सेव करता है बंदे को, मरियन की हेलमेट नहीं पा रहा मुझे। 600 रुपए का हेलमेट लगाया था भाई ने, 600 रुपए का हेलमेट, और उसने मारा बजा दी। तो भाई ये देख लो, मैंने आपको मॉर्निंग में दिखा दिया था इसकी विजिबिलिटी क्या थी। और भाई आफ्टर ऑल जो भी है आप लोग बता देना, अगर आपको भी अगर चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसका लिंक। और बाकी काफ़ी इसका डिसएडवांटेज में भी कोई है नहीं, बट हाँ जो आपको फ्यूज़ की जो नीड पड़ेगी वो तो भाई नेसेसरी है, क्योंकि आपकी बैटरी पे लोड पड़ सकता है अगर इसको डायरेक्ट लगाओगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वोल्ट भाई उठाती है गाड़ी। अब आप ये देख लो ओवरऑल ये वाला लुक है इसमें, ज़्यादा ऐसा नहीं कि अलग लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करवाया थोड़ा नियरली, क्योंकि ज़्यादा अगर दूर होते तो विंग्स जैसे लगते बहुत गंदे से, उस हिसाब से मेन लुक ये है। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि यहाँ पर अपन को इसको इंस्टॉल कराना है, तो यहाँ पर तो मे बी हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी अगर ब्रेकर में जाती तो मडगार्ड पे अड़ सकता था डायरेक्ट, तो वहाँ पर वर्केबल नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है एरिया, और आफ्टर ऑल देख लो। और भाई अपने आ ही गए थे थोड़ी देर बाद में, ये भाई है, और ये भाई साहब तो देखो पहले तो छिले में पड़े हैं। हाँ सुधीर भाई, जी भाई हाल चाल सब बढ़िया है? लॉकिंग के साइड इफेक्ट तो बात करते हैं इंसान। अरे यार सही लग रहा है ना, अरे यार इतना स्मार्ट लगता हूँ क्या मैं यार ब्लॉग बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। और ये भाई हमारे गोलू भाई, कैसे हो गोलू भाई? देखो भाई बंक मार के आए ये। हाय हाय, तो भाई अपन निकल रहे हैं अब घर के लिए। आपको दिखा दिया मैंने कि भाई कैसे वर्क करता है भाई। यहाँ पर अभी लाइट आई है थोड़ी सी, हाँ हाँ देखो देखो येलो लाइट, भाई डे में भी इतनी काम कर रही है, इसका मतलब तो ये फाड़ू है। तो भाई अभी आप नज़ारे के मजे लो बस। अरे होए सुबह हो गई है भाई, सुबह हो गई माम। तो भाई गाड़ी भगाने थोड़े मजे लेते हैं। भाई 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 एम्बुलेंस एम्बुलेंस आ गई थी एम्बुलेंस। ओए होए होए क्या लीन मारी है। भाई क्या मजा आ रहा है यार, लीन चेक करो लीन। जय बजरंगबली। तो गाइस व्लॉग की एंडिंग ऐसे करेंगे, समझ रहे हो? हाय 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 सीन देखो तुम यार, एक नंबर। तो भाइयों घर की गली तक तो आ ही चुके हैं, और ये हमारी नई गली जो आपको सुबह सुबह दिखाई थी हमने, और अभी भी सुबह ही हो रही है पर धूप निकल आई है। देखो भाई रोड देखो कितनी चक है। तो ठीक है गाइस टाटा।